जेल में बंद अखिलेश यादव के नेता से मिलने पहुंचे चंद्रशेखर आजाद। कल ही यूपी में उपचुनाव का मतदान संपन्न हुआ और आज एक बार फिर से राजनीतिक मुलाकातों ने सियासी पारा गर्म कर दिया। यूपी की नगीना लोकसभा सीट से सांसद और आजाद समाज पार्टी के नेता चंद्रशेखर आजाद सीतापुर जेल में बंद समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता आजम खान से मुलाकात करने पहुंचे। इस दौरान जेल के बाहर बड़ी संख्या में उनके समर्थक मौजूद थे। भीड़ के बीच से निकलते हुए चंद्रशेखर आगे बढ़े, जेल के मेन गेट पर पहुंचे, जहां पुलिस वालों ने चेकिंग के बाद सिर्फ उनको ही अंदर जाने की इजाजत दी। इसके बाद जेल से बाहर निकलकर चंद्रशेखर ने कहा कि वो आजम खान के परिवार को अपना घर जैसा मानते हैं। मुझे उनको लेके जो है दुख है, तकलीफ है, मैं बस उनको ये बताने के लिए यहाँ आया हूँ कि मेरे पारिवारिक रिश्ते हैं, वो मेरे बड़े भी हैं, कि सड़क से लेके संसद तक हम उनकी लड़ाई को लड़ेंगे, अकेला नहीं छोड़ेंगे। चंद्रशेखर आजाद दुख में तकलीफ में किसी का हाथ नहीं छोड़ता है। जिसने मेरे लिए एक दिन भी कुछ किया है मैं उस कर्ज को उतारूंगा। उन्होंने मेरा पूरे समय में साथ दिया है, जब मुझे गोली लगी मेरे पास गए। आज वो परेशानी में है, तकलीफ में है, उनकी तबीयत भी अच्छी नहीं है। जिस तरह का राजनीतिक जुल्म उन पर हो रहा है ये भी किसी से छिपा हुआ नहीं है। मैं उनके साथ हूँ और सड़क से लेकर संसद तक इस लड़ाई को हम लोग लड़ने काम करेंगे। और मैं मानता हूँ कि दुख के बादल, कठिनाई के बादल, परेशानी के बादल छट जाएंगे, वो जल्द हमारे बीच। इसके अलावा चंद्रशेखर ने उपचुनाव को लेकर के भी अपना मनमुटाव जाहिर किया और सीएम योगी के बटेंगे तो कटेंगे नारे पर भी प्रतिक्रिया दी। चुनाव नहीं हो रहा था, लोकतंत्र की अस्मिता लूटी जा रही थी और वो भी लोकतंत्र के रक्षकों के द्वारा। शायद इतिहास में पहले ऐसा नहीं हुआ होगा कि पुलिस वोट डालने से रोकने के लिए गोली का इस्तेमाल करने की बात करती है, पिस्टल लहराने की बात करती है, ये और बैरिकेडिंग लगते हैं गांव में, पर्चियां छीन ली जाती है, पुलिस वोट करती है। जनता ने कल लोकतंत्र की हत्या अपनी खुली आंखों से देखी और चुनाव आयोग ने बहुत देर बाद संज्ञान लिया। इस बात की मुझे तकलीफ है, अगर पहले संज्ञान लेते शायद परिणाम जनता के द्वारा चुने गए परिणाम होते, वो नहीं जो सरकार चाहती। ये बड़ा अच्छा नारा उन्होंने दिया, मैं मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करता हूँ। इसका विश्लेषण जब हमने किया चुनाव खत्म होने के बाद, तो हमें यह एहसास हुआ कि हम 6,743 जातियों में सदियों से बटे हुए, इसी वजह से इस देश में आज भी रोटी रोजी और तमाम तरह के अधिकारों से वंचित हैं। हम 6,743 जातियों को जोड़ने काम करेंगे। उन्होंने नारा हमारे लिए दिया क्योंकि हम नहीं जोड़ पा रहे, तो उनको जोड़ के भाईचारा बनाएंगे और ताकत बना के जो है अपनी परेशानियों का हल करेंगे। मैं सहमत हूँ, ऐसे चुनाव क्या फायदा जिसमें सरकार की मनमानी हो। चुनाव तो निष्पक्ष होना चाहिए, भयमुक्त होना चाहिए, जिसको जिसमें कल इलेक्शन कमीशन भी फेल हुआ और सरकार भी फेल। बता दें कि उपचुनाव से 3-4 दिन पहले ही चंद्रशेखर रामपुर पहुंचे थे और यहां पर आजम खान के घर जाकर उनकी पत्नी तंजीम फातिमा और बेटे से मुलाकात की थी, जिसे जानकार सियासी चश्मे से देख रहे थे। अक्सर समाजवादी पार्टी पर यह आरोप लगता रहा है कि जब आजम खान का परिवार कानूनी शिकंजे में फंसा तो उन्होंने आजम खान के परिवार से दूरी बना ली। लेकिन अब ये देखना दिलचस्प होगा कि चंद्रशेखर की इस मुलाकात का यूपी की राजनीति पर क्या असर पड़ता है। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।